हिजबुल्ला ने इसराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर ताबड़तोड़ रॉकेट की बरसात की है। गोलान हाइट्स पर इसराइल का आर्मी बेस है। रॉकेट अटैक के बाद यहां के जंगलों में भीषण आग लग गई। आगे रिपोर्ट में देखिए कि कैसे हमास चीफ याया सिनवार ने युद्ध रोकने के लिए एक नया ऑफर दिया है। इसराइल में फटेगा सिनवार का इनसाइड बम। नेतन्याहू को खामनेई ने दिया अल्टीमेटम। राजदूत की आंख के बदले आईडीएफ चीफ को फोड़ेगा ईरान। हिजबुल्ला को पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट से तहलाने वाले इसराइल को तेहरान से क्लियर मैसेज मिला है। ईरान अपने राजदूत की आंख का बदला इसराइल के आर्मी चीफ से लेने का ऐलान कर चुका है। लेबनान में हुए इसराइल के हमले में ईरान के राजदूत मुज्तबा अमानी को गंभीर चोट आई है, जिसके बाद से ईरान बौखलाया हुआ है और हमास चीफ को सुरंग से बाहर निकालने का प्लान बना रहा है। हमास चीफ यानी यहया सिनवार नेतन्याहू का दुश्मन नंबर वन, इसराइल का अगला शिकार। जो चाहे कहिए, मगर यही एक चेहरा है जिसने खाड़ी के बारूदी बैटल ग्राउंड में हर चाल अपने हिसाब से चली और अब तक नेतन्याहू को छका रहा है। इसराइल के जंगी जेट हमास चीफ का कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं। नेतन्याहू के मिसाइलें सिनवार की सुरंग को तोड़ नहीं पाई हैं। आईडीएफ के कमांडो सिनवार की झलक भी नहीं देख पाए हैं। हमास का सुप्रीम लीडर यहया सिनवार अब युद्ध में अपनी मन मुताबिक शर्तें लगाकर नेतन्याहू को सरेंडर करवाने का प्लान बना चुका है। सिनवार ने सीज फायर की जो शर्त रखी है उसे मानने पर युद्ध में नेतन्याहू की जीत तो मुमकिन नहीं होगी। इसराइल मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यहया सिनवार ने इसराइल के आगे शर्त रखी है कि उसे और उसके गुर्गों की जान के बदले वो सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। सिनवार ने इसराइल की जेल में बंद कई हमास कमांडरों को किसी तीसरे देश में शरण लेने की भी शर्त लगाई है। सिनवार ने नेतन्याहू को सीज फायर का ये ऑफर जान जाने के खौफ में दिया है। इसकी असली वजह आईडीएफ मेजर जनरल डैन गोल्डफस बताए जा रहे हैं, जिन्होंने हमास के टनल नेटवर्क की सभी परतें खोल डाली हैं। आईडीएफ के मेजर जनरल डैन हमास को सुरंग नेटवर्क की बर्बादी के नायक के तौर पर पहचाना जाने लगा है। जनरल डैन गोल्डफस ने खान यूनिस में सिनवार के सुरंग नेटवर्क का भी पता लगा लिया है। जनरल डैन के लीडरशिप में आईडीएफ और शिन बेट्स कमांडो सिनवार का सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आईडीएफ के सुपर फाइटर जनरल डैन ने यहया सिनवार के होश उड़ा रखे हैं। मौत के डर से सिनवार युद्ध विराम के नए नए पैंतरे आजमा रहा है। वहीं हमास चीफ के नए ऑफर के साथ ही अब इसराइल ने गाजा में जोरदार हमला शुरू कर दिया है। वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने हमास के टॉप कमांडर को मार गिराने का दावा किया है। आईडीएफ और शिन बेट्स ने ज्वाइंट ऑपरेशन में हमास के कई लड़ाकों का सफाया कर दिया है। वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने हमास के टॉप कमांडर शदी जकार नेह के साथ सात लड़ाकों को मार गिराया है। कबातिया में आईडीएफ ने जकार नेह पर हमले में फाइटर ड्रोन, बुलडोजर और जंगी जेट का इस्तेमाल किया है। आईडीएफ ने दावा किया है कि जकार नेह कबातिया में हमास का टॉप लीडर था। जकार नेह उत्तरी सामरिया में इसराइल पर हुए हमलों का मास्टरमाइंड था। जकार नेह के खात्मे का वीडियो रिलीज करके इसराइल ने सिनवार को दहला दिया है। वीडियो में हमास का टॉप कमांडर मौत के डर से गाड़ी से उतरकर भागने लगा था, मगर आसमान में मौजूद इसराइल के अचूक हथियार ने बारी बारी से बम बरसाकर सभी हमास लड़ाकों को जमींदोज कर दिया।